तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत करता है आप लोग हमारे न्यू और बहुत ब्रांड वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं फन गेम यूट्यूब चैनल, चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो पसंद लाइक। तो गाइस देखो, नेक्स्ट वीडियो में हमने अपना जैसे कितना वीट फार्म बनाया था और काफी अच्छा वर्क कर रहा है। एंड आज की वीडियो में बनाने वाले हैं सुपर अल्ट्रा बिग कबल स्टोन फार्म। एंड वो फार्म इतना ज्यादा अल्ट्रा होगा किसी ने सोची ना होगी। हाँ तो गाइस, बहुत बात हो गई एंड बिना कोई बकलोली के चलिए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मैं बता दूँ, इस फार्म को बनाने में लगने के हवाले से, तो पहले एक नॉर्मल ब्लॉक लगने वाला है, लावा बकेट और वाटर बकेट, पिस्टन, लीवर, रेडस्टोन टॉर्च, टीएनटी एंड यहाँ पे डिस्पेंसर, रेडस्टोन रिपीटर, रेडस्टोन चेस्ट, हॉपर एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को ग्लास लगने वाला है। एंड जो सामान गाइस मेरे पास नहीं है तो चलो वो कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो गाइस, सामान कलेक्ट करने से पहले हम लोग अपने चेस्ट में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना सामान अवेलेबल है। अगर हमारे पास सामान नहीं होगा तो फिर हम लोग कलेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। भाई लिटरली मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे को जो सामान लगने वाला था ना फार्म बनाने के लिए, वो सब मेरी इन्वेंट्री में, मतलब मेरी चेस्ट में था एंड मैंने सारा वो अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया है। हाँ तो गाइस, मैं एक बात बता दूँ, मेरे को यार मेहनत करना पसंद ही हो, चाहे वो गेम हो चाहे रियल जिंदगी हो, रात दोपहर कभी मेरे को मेहनत करना पसंद ही हो, चाहे रात में चाहे दिन में। यार तुम लोग का गंदा दिमाग कहीं भी चला जाता है। मैं बात कर रहा था, मेरे को माइनक्राफ्ट में या फिर रियल जिंदगी में एक सामान कलेक्ट करना पसंद नहीं है, चाहे वो रात हो चाहे दिन, और मेरे को खाली बिल्ड बनाना पसंद है माइनक्राफ्ट में। यार तुम लोग क्या समझते थे, तुम लोग का गंदा दिमाग कहीं भी चला जाता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ तो मित्रों, बातें तो बहुत हो गई है। अच्छा था कोई फ्लैट एरिया देख के अपना फार्म बनाने के लिए चलते हैं अब। चलो चलो। हाँ तो गाइस, इस चलो वाले बच्चे ने मेरे को सीधे चलने के लिए बोला था एंड यहाँ पे मैं अपने ज़ॉम्बी एक्स फार्म आ गया हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरिया फ्लैट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, एरिया क्लीन चुका है, मैं आपको फार्म बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है? गाइस अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो आप फार्म बनाना कैसे सीखोगे फिर? बात तो सही है। हाँ तो गाइस चलते हैं अपना फार्म बनाने को लग, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो फर्जी ब्लॉक इनको फेंक देंगे, तो ये सब कचरा है इसको हम फेंक दे रहे हैं। हाँ तो गाइस, अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को यहाँ से एक 11x11 का फुल गड्ढा खोद देना है। गड्ढा खोदने का मैं बता रहा हूँ, साइड साइड से हम लोग यहाँ से दो ब्लॉक करते हैं, साइड का पूरा गड्ढा खोद देना है। हाँ तो गाइस अपना 11x11 का यहाँ पे गड्ढा रेडी चुका है। यहाँ से हम लोग को जहाँ गड्ढा खोदा ना वहाँ से उतर जाना है गड्ढे के अंदर। गड्ढे के अंदर उतर जाने के बाद हम लोग को इसकी एक और लेयर यहाँ पे रिमूव कर देना है एंड रिमूव करने के बाद जो बीच में है ना लेयर, इसको भी हम लोग को रिमूव कर देना है। हाँ तो गाइस अब अपना पूरा गड्ढा यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ से हम लोग को फिर से नॉर्मल ब्लॉक ले लेना है एंड हर एक कॉर्नर पर हम लोग यहाँ पे एक एक ब्लॉक प्लेस कर देना है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पानी भरना पड़ेगा एंड ये नॉर्मल ब्लॉक हर कॉर्नर पर प्लेस करते हो गया 2 एंड साइड वाला यहाँ पे 3। अरे यार यहाँ नहीं, सॉरी, इसको मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। हाँ गाइस, ये नॉर्मल ब्लॉक प्लेस हो जाने के बाद हम लोग को करना ये है कि मैं अभी बताता हूँ, सबसे पहले इस कॉर्नर पर भी प्लेस कर दें। हाँ, अब हम लोग यहाँ से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना है एंड जहाँ पे हम लोग ने ब्लॉक रखे वहाँ पानी डाल देना है। एंड गाइस जहाँ से हम लोग ने ब्लॉक रखा उसके बगल से हम लोग को पूरे में तोड़ते हुए चले जाना है एंड यहाँ पे हम लोग को ऑब्सीडियन फिल कर देना है ताकि अपना फार्म थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आप लोग समझे। अच्छा हाँ तो गाइस, साइड में ऑब्सीडियन फिल करने के बाद हम लोग करना है कि सबसे पहले हमने अनलिमिटेड वाटर सोर्स लेना है, वहाँ से हम लोग को वाटर अपने वाटर बकेट में पानी भर लेना है एंड वाटर बकेट में पानी भरने के बाद यहाँ से हमने नॉर्मल ब्लॉक है ना कॉर्नर पर, वहाँ पे हम लोग को एक इधर पानी डाल देना है नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर एंड जहाँ हमने चौरा कॉर्नर पर यहाँ पे पानी डाल देना है। एंड यहाँ से मेरे पास वाटर खत्म हो चुका है तो मैं लेके आता हूँ एंड यहाँ पे वाटर फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो गाइस, हर तरफ पानी फिल करने के बाद जहाँ पानी का फ्लो आ रहा होगा वहाँ पे आप लोग को गड्ढा कर देना है एंड गड्ढा करने के बाद हम लोग को यहाँ पे हॉपर ले लेना है एंड हॉपर हम लोग को यहाँ पे 3 लगेंगे। हाँ तो हॉपर लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे गड्ढे का पानी का फ्लो आ रहा होगा वहाँ गड्ढा करके हम लोग यहाँ पे हॉपर डाल देना है। हाँ तो ये लग गया अपना हॉपर एंड यहाँ से गाइस अब हम लोग को एक नॉर्मल ब्लॉक लेना है। यहाँ पे मैं डर्ट ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले, रैंडम ब्लॉक ले सकते हो एंड यहाँ पे फ्लो है उसके बगल वाले में हम लोग को यहाँ पे एक यहाँ पे डर्ट प्लेस करनी है, इसके ऊपर हम लोग को एक और डर्ट प्लेस करनी है एंड यहाँ पे गाइस अब हम लोग को ऑब्सीडियन ले लेना है एंड ऑब्सीडियन लेने के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पे क्राउच करते हुए बैठना है एंड साइड में हॉपर के ऊपर एक ऑब्सीडियन लगा देना है एंड साइड के दोनों डर्ट को तोड़ देना है। एंड गाइस अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को जहाँ से ऑब्सीडियन प्लेस करना है उसके ऊपर 8 ब्लॉक करके हाइट लगा देनी है। हाँ तो मित्रों, 8 ब्लॉक की हाइट के आने के बाद हम लोग को यहाँ पे 3x3 का एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा प्लेटफॉर्म बना लेना है। हाँ तो भाई, 3x3 का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद हम लोग को करना है कि हम लोग को डट ले ली है एंड डट, यहाँ हमने 3x3 का प्लेटफॉर्म बनाया है, कॉर्नर पकड़ के 2 लेयर और ऐड कर देनी है उसके आगे। हाँ तो गाइस, 3x3 पे 2 लेयर और ऐड करने के बाद ये बन चुका है 5 का। हाँ तो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे जो 4 के लेयर है ना इसको हम लोग को रिमूव कर दिया, लेकिन आप लोग सोचो कि बनवाया गया था तो मैं अभी बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लेयर जब रिमूव कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से कोई भी स्टे ले लेना खाली वुड की छोड़ के, तो वुड की छोड़ के यहाँ पे हम लोग जैसे कि कबल स्टोन की स्टे ली तो हम लोग को यहाँ पे स्टेयर प्लेस कर देनी है एंड इसका फेस सीधा होना चाहिए था। एंड स्टेयर प्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे गाइस वाटर बकेट ले लेनी है एंड वाटर बकेट यहाँ पे हम लोग को हर स्टेयर में पानी भर देना है, वाटर फिल कर देना है। जैसे कि मेरे पास अभी एक वाटर बकेट है जहाँ पे शायद अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे एक और मैं जब पानी डालूंगा तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाना चाहिए, मेरे को पता नहीं बनने का कि नहीं। यहाँ पानी डालते हैं, नहीं बना यार। चलो गाइस, मैं नीचे से वाटर लेके आके हर शेयर में फिल करता हूँ एंड बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
हाँ तो गाइस अपने फार्म का यहाँ पे आधा काम डन हो चुका है। गाइस हम लोग करना है कि हम लोग स्टेयर के नीचे वाला जो ऑटो ब्लॉक है ना, तो उसको हम लोग को तोड़ के यहाँ पे नीचे एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। एंड प्लेटफॉर्म बनाने के बाद हम लोग को स्टेयर के ऊपर एक ऐसी नॉर्मल कोई ब्लॉक रख देना है। एंड बहुत ध्यान से आप लोग नीचे उतर सकते थे, नहीं तो रवाना हो जाओगे। मैं बच गया हूँ अभी। हाँ, एंड जो हम लोग ने डट लगाई है उसके ऊपर हम लोग पहले क्रॉस करके बैठ जाने तो गिरोगे बहुत गंदा। एंड यहाँ पे हम लोग को पिस्टन लगाना है नीचे फेस करते हुए, नीचे फेस करते हुए पिस्टन लगाना है। एंड इसके बगल में भी हम लोग को पिस्टन लगाना है, एंड इसके बगल में भी हम लोग को पिस्टन लगा देना है। एंड जब कॉर्नर आ जाए तो कॉर्नर पे आप लोग को रैंडम ब्लॉक लगा देना, डट टाइप कुछ भी। एंड उसके बगल में फिर हम लोग को यहाँ पे फिर से पिस्टन लगाना है। एंड ऐसे हम लोग को पिस्टन का एक स्क्वायर बना लेना है। मैं हर तरफ बना के फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो इतना हो जाने के बाद हम लोग करना है कि हम लोग ने 3x3 बनाया था, इसके बीच में जो सेंटर में एकदम दर्ट है इसको यहाँ पे हम लोग को 3 ब्लॉक तोड़ देना है। एंड अपनी पॉकेट से हम लोग यहाँ पे डिस्पेंसर निकाल के अपने हाथ में रख लेना है। एंड गाइस अब हम लोग को करना है कि हम लोग ने जो ब्लॉक तोड़ा उसके बीच में नीचे को फेस करते हुए डिस्पेंसर लगा देना है। एंड जो हमारे फर्जी के ब्लॉक जो होती है इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ देना है। एंड तोड़ने के बाद हम लोग को बनाना है यहाँ से कलेक्टिंग सिस्टम। सब पहले डट तोड़ देना है एंड हम लोग को नीचे आ जाना है। एंड डट यहाँ से हॉपर लगाना है, इसके जस्ट बगल से हम लोग को कलेक्टिंग सिस्टम बना लेना है। हाँ तो गाइस कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को नीचे यहाँ पे 2 ब्लॉक तोड़ के जाना है, 3 ब्लॉक तोड़ के जाना है यहाँ से। अरे मैं भी क्या गधा हूँ, हाथ से तोड़ रहा हूँ वो भी स्टोन। हाँ, ये 3 ब्लॉक तोड़ने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे कोई भी ब्लॉक लेके ऊपर लगा देना ताकि यहाँ पे पानी ना आ सके गाइस। एंड गाइस अब हम लोग ये करना है कि यहाँ पे एकदम अंधेरा है एंड स्पेस भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को रहने सहने के लिए मतलब कलेक्टिव सिस्टम बनाने के एक छोटा सा रूम बना लेते हैं। हाँ तो गाइस मैं अपने रहने सहने एक छोटा सा मैंने गड्ढा बना लिया गाइस। अब हम लोग करना है कि हम लोग ने जो हॉपर लगाया है इसके नीचे भी हम लोग एक हॉपर प्लेस करना है। एंड यहाँ पे हॉपर प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है यार ये हॉपर प्लेस नहीं, हाँ शायद हुआ नहीं यार, मेरा हॉपर प्लेस नहीं हुआ, टैप की तो आवाज़ आई है। हाँ तो गाइस हम लोग को हॉपर प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को हॉपर ही तोड़ना पड़ेगा लग रहा है, तो ये हम लोग हॉपर तोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को गाइस अब चेस्ट लगा देनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेस्ट लगा देते हैं एंड चेस्ट के ऊपर गाइस मेरे को लग रहा है क्राउच होएगा नहीं क्योंकि वाटर है। हाँ तो गाइस एक काम करने को करना है कि हॉपर 2 लगा देना है एंड फिर अपना कलेक्टिव सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो मैं 2 हॉपर लगा के फिर आपसे मिलता हूँ। A few minutes later. हाँ तो बस 80% फार्म हमारा डन हो चुका है, 20% बाकी है। वो ऐसा बाकी जो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो वो मैं सब कुछ फास्ट ऑन कर रहा हूँ, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है देख लेना। हाँ तो गाइस यहाँ पे अपना फार्म बनके रेडी हो चुका है, जैसे कि देख रहे हो वर्क भी कर रहा है। एंड गाइस हम लोग नीचे चल के अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ से कितने कबल स्टोन मिल रहे हैं एंड नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ से मेरा रास्ता जाने का कलेक्शन सिस्टम का, तो सबसे पहले चलते हैं। एंड यहाँ पे अंधेरा बहुत है, अभी मैं टॉर्च वॉर्च लगा दूंगा। हाँ तो गाइस ये देखो गाइस इतना खतरनाक वर्क कर रहा है, मैंने 1 मिनट भी एफ का नहीं करा गाइस, खाली बनाने में खोला था मैंने। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मतलब कबल स्टोन प्लस होते ही चले जा रहे थर्टी सिक्स थर्टी सेवन वाले देख रहे हो ना, इतना खतरनाक यहाँ पे काम करा। जैसे गाइस मैंने अपने वादे पर कहा था कि ये फार्म बहुत ऑफिशियल वर्क करेगा तो वर्क कर रहा है, आप अपना वादा दिखाओ। हाँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। एंड गाइस मैं अभी मतलब मेरी रीच दोबारा डाउन हो रही है चैनल की, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी रीच डाउन ना होने दे, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहे जैसे पहले बनाए हुए थे गाइस, आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। हाँ तो गाइस फॉर्म अपना बहुत गंदा वर्क कर रहा है, अगर पसंद है तो लाइक कर देना। हाँ तो गाइस अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। एंड ऐसे ही मिलेंगे अमेजिंग अमेजिंग अदर न्यू गेम की वीडियो में। एंड जितने नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो सब हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने जिन्हें नहीं करा वो भी प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो गाइस मिलेंगे ऐसे अमेजिंग में अदर न्यू गेम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।